ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू न्यू गेम प्ले सीरीज। तो गाइस यार, आज से हम लोग खेलने जा रहे हैं वॉच डॉग्स लीजन, जिसका हम सब लोग को काफी टाइम से इंतजार था। तो सभी लोग यार जल्दी से ईयरफोन लगा लो, कुछ खाने पीने का आइटम ले लो, क्योंकि यार अभी ना बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो यार मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस गेम को खेलने के लिए। तो चलो यार, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, जल्दी से अपनी गेम को स्टार्ट करते हैं। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर अपना जो गेम है स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा बहुत स्टोरी वगैरह समझ लेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या सीन चल रहा है। ये स्टोरी लंदन की है। ओके, गेम के जो ग्राफिक्स है गाइस, बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल है, सच्ची बता रहा हूँ। पब्लिक सबवे, भाई क्या सुंदर सिटी है यार लंदन। ओहो भाई, फुल एकदम मॉडर्न लेवल गेम लग रहा है मेरे को तो, ये काफी ज्यादा मजा आने वाला है। ओ एकदम फुल ड्रोन है ये शायद से। ओके, इसके अंदर कुछ कैमरास भी लगे हुए हैं, और ये ड्रोन किसी, ये पीछे चर्च था शायद से। ओ यहाँ पर ये क्या चीज है भाई, यहाँ ना कुछ अलग ही सीन चल रहा है। नीचे से एक बोट आ रही है, बोट के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है। और भाई ये राइट साइड में ये इतनी बड़ी बिल्डिंग किस चीज़ की है भाई, ये तो मेरे को कुछ एकदम ना जैसे हॉस्टल नहीं होते, कुछ उस टाइप का लग रहा है। तो चलो भी ना फिलहाल हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ओके यार, ये कितनी ज्यादा बड़ी जगह है, ये क्या हो सकता है गाइस, कमेंट में गैस करो। फिलहाल हम लोग यहाँ पर पहुँच तो चुके हैं, पीछे यार क्या बढ़िया नज़ारे। ओह यहाँ पर एक ड्रोन है, एंड मे बी ये कैमरे। ओके इसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं, और मेरे राइट वाले कान में एक मतलब कि ब्लूटूथ टाइप लगा हुआ है। ओके, डेल्टन हमारा नाम है, और हमारे को एक लड़की है जो गाइड कर रही है, और वो शायद से हमारी मैम है, मतलब मैम स्कूल वाली मैम नहीं, ये अलग मैम है। ओके अभी हम इस जगह की बेसमेंट में एंटर हो चुके हैं। मे बी ये वो लोग हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं, और ये है वो लड़की सबाइन, जिसे हम मैम बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, कुछ अलग सीन है गाइस यहाँ पर। Brilliant. Asking the computer about feelings. This explains so much. Shut it, you two, and get to work. अच्छा, एक कंप्यूटर भी है जिससे हमारी बात चल रही है, एक ये लड़की है, एक हमें, और एक कंप्यूटर है बीच में, ठीक है। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर जो अपना गेम है वो स्टार्ट हो चुका है, और जैसा कि आपने कंप्यूटर में सुना होगा, मतलब कि यार जो लंदन शहर है ना, इसे पता नहीं कितने साल लग गया पूरा का पूरा डेवलप होने में, पूरा बनने में। लेकिन गाइस यार, यहाँ पर ना कोई ऐसा बंदा है जो कि इसे एक दिन में ही तबाह करना चाहता है। उसने कोई बहुत तगड़ी प्लानिंग कर रखी है बॉम्ब प्लांट करने की, अगर वो बॉम्ब फूटेंगे तो ये पूरा का पूरा शहर जो है ब्लास्ट हो जाएगा। तो हमें इस बॉम्ब को ब्लास्ट होने से रोकना है। तो चलो अभी जल्दी से आगे चलते हैं। बाकी सामने की तरफ में एक बॉडी गार्ड खड़ा हुआ है, प्रेस एफ नियर एंड अनवेयर। ओके ओके चलो ठीक है, ठीक है, तेरी ऐसे की दसी, निकल यहाँ से। ओ भाई क्या लात मारी भाई, इसको देख के स्पाइडरमैन की याद आ गई, तेरी ऐसे की दसी भाई, फुल एकदम टेररिस्ट लग रहे। ओ एक सेकंड, तेरी ऐसे की दसी, निकल यहाँ से। चलो भाई, इसका तो मैंने यहाँ पर भूत बना दिया, बाकी यार बड़ी गंदी तरह मैंने इसको मारा था, काश इसके पास एक गन होती अपना काम बढ़िया हो जाता। अभी जल्दी से ना गाइस यार आगे चलते हैं। और वैसे मैं बता दूं तो गाइस यार देखो, ये जो अपना कैरेक्टर है ना डेल्टन, ये डेडसेक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर है। अब डेडसेक सीक्रेट सोसाइटी क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यार देखो, ये ना एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है हैकर्स का, जिसके लिए लोग काम करते हैं। तो अपना मेन काम क्या होता है ना, जो भी गलत लोग होते हैं ना, जैसे करप्ट पॉलिटिशियन हो गए, जो मतलब कि ना जनता को पागल बनाते हैं, गलत काम करके पैसा कमाते हैं, इन सब के ना सारे राज खुलना, सीक्रेट खुलना, ताकि ये लोग जनता को पागल ना बना पाए। तो एक तरीके से ना हम लोग अच्छा ही काम करते हैं, हम डेडसेक के जो बंदे हैं। अभी ना फिलहाल यहां पर कुछ ज्यादा गलत सीन है, क्योंकि यार इधर ना बॉम्ब प्लांटिंग वगैरह का सीन चल रहा है, मतलब बॉम्ब प्लांटिंग नहीं, पता नहीं जो भी है, बट इतना पता है कि पूरा शहर तबाह कर सकते हैं ये लोग एक दिन में, और करने जा रहे हैं। तो चलो यार, अभी ना फिलहाल यहां पर मैं पहुंच चुका हूं, बाकी भी फिलहाल मेरे को यहां से नीचे जाना है। और यहाँ पर मेरे को ना आगे से कुछ बंदों की आवाज आ रही है, तो काफी ज्यादा सोच समझ के मेरे को जाना पड़ेगा। और इस टाइम ना गाइस यार, मेरे को सच्ची में एजेंट 47 की याद आ रही है, हिटमैन 2 वाले। तो चलो अभी जल्दी से ऊपर चलते हैं। बाकी यार सामने वाला जो गेट है ना, वो मेरे को थोड़ा बहुत, हाँ ये लॉक है, ये गेट लॉक है। ओके, तो यहाँ पर हमें ये बटन दबाना है, इससे हमें इसके थोड़े कनेक्शन पता चलेंगे। तो चलो यार, अभी ना फिलहाल यहाँ पर माउस का मिड बटन मैंने होल्ड करा, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो एक ना रेड कलर की रे आ गई है। तो जैसा कि मैंने बताया था, हम लोग हैकर्स के ग्रुप से हैं, तो हम ना कुछ भी हैक करके पता कर सकते हैं। तो ये देखो, अभी ना फिलहाल मेरे को पूरा पता चल चुका है कि इसका कनेक्शन कहां से है। वो जो आप सामने देख पा रहे हो ना, वहां से जाकर मुझे उसे ऑन करना है। तो ये वाला जो गेट है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ओके ओके ओके, भाई 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 प्लीज 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 प्लीज, सामने एक बंदा था यार, और मैं फुल मजे में जा रहा था। तो अभी ना फिलहाल यहां पर ये देखो, ये आर्म ट्रैप है, और ये लो भाई, मैं कहने ही जा रहा था, जैसे ही मैंने बटन दबाया उसे मैंने ब्लास्ट कर दिया। मतलब कि इतने बड़े हैकर हैं हम लोग, किसी का भी फोन हैक करके उसके सारे मैसेज वैसे सब रीड कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बट अभी फिलहाल मजा बाद में जाए, शहर को पहले बचाना है। यहां पर अभी काफी सारे बंदे हैं, सामने भी एक बंदा खड़ा हुआ है, पहले ना उसको थोड़ा काम कर लेने देते हैं।
तो चलो गाइस सर, अभी ना फिलहाल यहाँ पर से मैं आगे बढ़ता हूँ एकदम चुपचाप। मेरे हिसाब से ना आगे की तरफ में भी और बंदे हैं, तो वो देखो सामने की तरफ में ना एक बंदा गया है और उसके बगल में एक आर्म ट्रैप है, तो क्यों ना यहाँ पर इसको भी ब्लास्ट कर दिया जाए और देखो बेचारे की कितनी बुरी तरह करंट लगा है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से आगे चलते हैं। बाकी ना यार इस तरफ में एक बंदा और है जो कि दीवार पर स्प्रे कर रहा है और गालियां लिख रहे थे एरिया ऐसे की तैसी। ये लातों के भूत है गाइस यार, ये बातों से नहीं मानते, अभी इनके लेकिन लात ही पड़ेगी। निकल यहाँ से, चल निकल। अभी फिलहाल ना गाइस मेरे पास एक मस्त आइडिया है, इसको मारा तो है साथ के साथ सोच रहा हूँ ना करंट भी लगा दू थोड़ा सा। ले तेरी भैंस की टांग, यहाँ पर अभी इसके मैंने करंट भी लगा दिया। तो चलो अभी ना फिलहाल यहाँ पर ये जो बंदा था इसे मैंने मार दिया है। बाकी यही वो चीज है जिससे मेरे को वो वाला गेट जो है अनलॉक करना है। चलो फिलहाल यहाँ पर से ऑन करते हैं। ओके ओ भाई, ऐसा कैसे हो सकता है यार? But someone wants to make it look like DedSec was here. शिट यार। तो गाइस अभी ना फिलहाल सीन ये हुआ है कि इनमें से नहीं जो मतलब सिक्योरिटी गार्ड है ना, इनमें से किसी को पता चल गया कि यहाँ पर एक डेड सेक है, यानी कि यहाँ पर कोई हैकर आ गया है, मतलब कि उन्हें पता चल चुका है कि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। बट कोई नहीं, अभी फिलहाल मेन अपना काम है बॉम्ब डिफ्यूज करना, जो कि मैं करके ही जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे लंदन शहर को बचाना है तो बचाना है। अभी जल्दी से आगे चलते हैं। बाकी तो यार वो देखो सामने की तरफ में यहाँ पर काफी सारे ना बॉम्ब पड़े हुए हैं। एक सेकंड, ये बॉम्ब भी है ना, एक सेकंड, ये बॉम्ब भी लग रहे हैं मेरे को। ओके तो गाइस यार देखो ये जो बगली है ना, ये एक बहुत ही तगड़ा रोबोट है, मतलब कुछ ज्यादा नेक्स्ट लेवल का। तो वो कह रहा है कि जो सामने बॉम्ब पड़े हैं ना, ये आरडीएक्स है जो कि ब्लास्ट होंगे, मतलब इसी को ब्लास्ट कर ये लोग इस पूरे के पूरे शहर को तबाह करना चाह रहे थे। अभी ना फिलहाल सीन क्या है कि इस बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए ना हमें ऊपर वाले फ्लोर पर जाना पड़ेगा। वहां पर एक डेटिनेटर ऐसे करके कुछ पड़ा हुआ है, उसके थ्रू हम इसे डिफ्यूज कर सकते हैं। और इतनी ज्यादा आरडीएक्स है, सोचो जो चीज पूरे शहर को तबाह कर सकती है एक सेकंड में, उसके बगल में मैं देखो कैसे चिपक कर बैठा हूं भाई, कितनी ज्यादा खतरनाक बात है। बट यार अभी ना आगे जाने के लिए मुझे पहले इन बंदों को मारना पड़ेगा। अगर हो सकेगा ना तो गाइस यार यहां से मैं छुप छुप के जाऊंगा तो ज्यादा बेटर है। बट लेकिन यार अगर देखो रिस्क लूंगा तो काम खराब ही होना है, बट इन लोग को मारना जरूरी है। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल मेरे पास ना एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त आइडिया है। इस तरफ में ना गाइस यार देखो एक बंदा है, इसको मेरे ऊपर ना थोड़ा शक हो रहा है। अभी फिलहाल इसका मैं मुंह तोड़ने वाला हूं तेरी ऐसी की तैसी। यार एक ने नहीं, अभी ना फिलहाल मेरे को दो दो लोग ने देख लिया है। अभी रुक जाओ रुक जाओ, यहां पर टोटल तीन लोग है ना, निकल यहां से। ओ ओ ओ सर, क्या दिक्कत होगी, क्या दिक्कत होगी। एक पढ़नी है गाइस इसके, 1 2 और 3। ओ भाई गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर ये लोग तो मेरे को बहुत ही बुरी तरह मारने पड़ गए हैं। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, बिना फिलहाल ये लोग मेरे को बहुत ही बुरी तरह मार रहे थे और तुम्हारे भाई ने दिमाग लगाकर इधर ना एक आर्म ट्रैप पड़ा हुआ था। ओके अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने इन तीनों को जो है जलाकर नहीं करंट लगा के मार डाला है। बाकी ऊपर की तरफ में ना कैमरा है जिसको मैं हाईजैक कर सकता हूँ। ओके तो यहाँ से ना गाइस मैं पूरा का पूरा व्यू ले सकता हूँ, बट अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने तो इतनी आसानी से मार दिया उन लोग को, तो हमें कैमरा की जरूरत नहीं है। वरना हाँ एक फायदा है कि कहीं पर भी कैमरा लगा हुआ है ना, हम उसे हैक करके देख सकते हैं कि आखिरकार क्या चल रहा है। तो अभी जल्दी से हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चुपचाप जाऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। आराम से राइट। ओके सामने एक गेट है, तो शायद से यही गेट है जो कि ऊपर हमें ले जाएगा। ओके ओके गाइस यार देखो वहां पर ना कुछ लैडर्स लगी हुई है, तो भी जल्दी से ना इस गेट को ओपन करते हैं। और ये लॉक है, शिट यार ये गेट तो पूरा का पूरा लॉक हो रखा है। ओके ओके लात ला, मेरे को पता था लात मारेगा। चलो सही है, गेट खुल गया। अभी जल्दी से ऊपर चलते हैं, मेरे दिमाग में आया था ना कि हो सकता है कि कोई दूसरा रास्ता ढूंढना हो। तो चलो अभी फिलहाल हम लोग यहां पर ऊपर आ चुके हैं। ओके काफी ज्यादा सस्पेंस सा लग रहा है, एकदम खाली सी जगह है और एकदम मैं फुल शांति में कहां पहुंच गया हूं ये। ओके यहां पर ये तो काफी ज्यादा बड़ा हॉल सा मेरे को लग रहा है। ओके सेंटर ऑफ गवर्नमेंट। ओके चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहीं कहीं पर शायद से वो डेटोनेटर पड़ा हुआ है, तो यही है क्या वो डेटोनेटर। ओके तो गाइस इसी के थ्रू हम लोग उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर सकते हैं। तो चलो अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने इसे ऑन कर दिया, भाई काफी ज्यादा डर लग रहा है। अगर बॉम्ब डिफ्यूज हो गया तो बढ़िया है, वरना ब्लास्ट हो गया तो भाई सारा काम ही खराब हो जाएगा। ओके ये है डेटोनेटर, ये बिल्डिंग है गाइस देखो जिसके अंदर बॉम्ब लगा हुआ है। ओके मैंने बैगले से हेल्प लिया है। ये जो आप गोल वाला देख पा रहे हो ना, यही है शायद से वो बैगले रोबोट। तो गाइस देखो अभी फिलहाल पूरा प्रोसेस तो चल रहा है। ओके फोटो भेज दी। और फोन कैसा है उसके पास, पतला सा। वार्निंग वेपन आर्म। फॉक्स सेक, कैन यू यूज देम ऑर नॉट? ऑफ कोर्स आई कैन, बट आई माइट आल्सो ट्रिप अनदर फेल सेफ एंड वेपराइजिंग, सो फेयर वार्निंग। कुछ कुछ गड़बड़ हुई है। ओ भाई कुछ बंदे, ओ तो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर ओके
तो गाइस यार देखो उन लोग को ना मालूम पड़ गया था कि हम लोग जो डेड सैक वाले एक बंदे हैं वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने अपनी पूरी पूरी फोर्स ना यहाँ पर भेज दी इन लोग को मारने के लिए। बाकी मेरे को भी मारने के लिए ये लोग आ गए हैं इस जगह पर, मतलब अपना जो बेस है ना हैकरों का वहाँ पर भी पहुंच गए और यहाँ पर भी आ गए। बाकी भी फिलहाल जो बॉम है डिफ्यूज हो रहा है शायद से, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ओके मैंने मास्क लगा लिया। ओके अभी वो लोग भी खतरे में है, मैं भी खतरे में हूँ और पूरा शहर खतरे में है। तो चलो अभी ना फिलहाल यहाँ पर सामने की तरफ से दो बंदे आ गए हैं और जो बॉम्ब के डिफ्यूजिंग है वो देखो यहाँ पर ना 2% हो चुके हैं, ऊपर यहाँ पर टाइमिंग आ रही है। फिलहाल ये दोनों मेरे पास क्यों आ रहे हो, भागते निकलो यहाँ से, तुम आ रही ऐसे कैसे मेरे को मारोगे? दो बंदे का तीनों गए समझ, चल तेरी यहाँ से निकल, बेचारे तीनों आए थे, क्या ही मैंने इसको मारा है। वाकई यार देखो यहाँ पर कितना बढ़िया सीपीयू पड़ा हुआ है भाई साहब, सच में। ओ सामने से और बंदे आ रहे हैं और मैं यहाँ पर सीपीयू देख रहा हूँ। निकल यहाँ से, तू भी निकल यहाँ से भाई, मेरे को ना अभी कवर लेना पड़ेगा वरना ये लोग मेरे को बहुत ही बुरी तरह मार सकते हैं। अगर ये लोग इस डेटोनेटर के पास पहुंच गए ना तो ये लोग अपना जो प्लान है वो फेल करा सकते हैं, तो मुझे ना यहाँ तक इन्हें पहुंचने से रोकना है। बट ये लोग पहले ना मेरे को मारेंगे उसके बाद इसे रोकेंगे। फिलहाल एकदम कवर में मैं आराम से बैठे रहूंगा, जब तक ये लोग हल्ला नहीं करेंगे ना तब तक इन्हें तेरी भैंस की वहीं आके मारूंगा। जरा जरा मेरे को मारेगा तू, छुप कर पीछे बैठा हुआ है और ऐसे मारा। ओ भाई नहीं नहीं नहीं, ओ तेरी भाई यहाँ पर तो तीन तीन कप टपक गए। निकल यहाँ से, एक गया दूसरे के भी पड़ी। मेरी एचपी गाइस इस टाइम पर ना बहुत ज्यादा कम है, मुझे पहले पीछे जाना पड़ेगा। अभी ना फिलहाल थोड़ा मैं हील अप हो जाता हूँ तभी ज्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी यार कुछ ज्यादा गलत सीन हो चुका है इस टाइम पर। नहीं, आराम से कोई जल्दबाजी नहीं है यहाँ पर, कुछ हैक करने लायक भी नहीं है। और गाइस फाइनली बॉम्ब जो डिफ्यूज होने वाला है, एक बंदा मैंने और मारा, सामने दो बंदे और हैं जिन्हें मेरे को मारना है। तू झांक बेटा, तू तो नहीं बचेगा। ओ नहीं तेरी, निकल यहाँ से, भाग तेरी। तो चलो ये गया, अभी सामने से दो बंदे और आ गए हैं, एक ये एक पीछे वाला। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल इस बंदे ने भी फाइनली कवर से हटा और अभी गाइस बॉम्ब भी डिफ्यूज हो चुका है। जितने बंदे आए थे ना उन सबको भी मैंने मार दिया है। अभी फिलहाल यहाँ पर इनके पास से मेरे को काफी सारी एमओ तो मिल जाएगी। बाकी यार यहाँ पर ओके, तो अभी फिलहाल दोबारा से मैं चेक करता हूँ डेटोनेटर। हमें पूरा का पूरा रोबोट बता रहा है कैसे बॉम्ब डिफ्यूज करना है, जो मैंने एक कान में लगा हुआ है ना, ये शायद से बैग ले। ओके अगर ये गलत हुआ तो ब्लास्ट हो जाएगा प्लीज। ओ फाइनली गाइस बॉम्ब डिफ्यूज हो गया, वाओ इतना ज्यादा सस्पेंस हो गया था। ओके वेपन डीएक्टिवेटेड और ये लोग भी सेफ हैं यार, क्या अच्छी बात है। ओपी यार ओपी गाइस, भाई क्या ही खतरनाक हो गया था। ओके ठीक है वो सिर्फ एक बॉम्ब नहीं था, जो बॉम्ब हमने डिफ्यूज करा है वो तो डिफ्यूज हो गया, बट एक बॉम्ब नहीं था, पूरे के पूरे शहर में तीन बॉम्ब और लगे हुए हैं। भाई ये कौन बंदे हैं जो शहर को करना चाह रहे हैं ब्लास्ट? ओ भाई 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 एक बॉम्ब हमने डिफ्यूज करा, अभी तीन बॉम्ब और हैं। ओ भाई ये क्या था? ओ तेरी, अच्छा अभी ये लोग पहुंचे इनके पास। ये क्या गलत सीन हो गया यार, रुक जाओ। ओके उनके ऊपर गाइस यार जो ये जो बॉम्ब प्लांट जिन्होंने करा है उनके जो अपनी गैंग के बंदे हैं उनके ऊपर अटैक कर दिया। गैंग के बंदे नहीं, अपने जो सीक्रेट सोसाइटी के बंदे हैं उनके ऊपर जो अटैक कर चुके हैं यार वो जो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड है। बट कोई दिक्कत नहीं, अभी ना उन लोग को अपना चलने दो, उनको फिलहाल मैं म्यूट पर डालता हूँ क्योंकि वो लोग भी अभी इस टाइम पर फाइट कर रहे हैं। बाकी क्या रीफिल एमो, वाओ यहाँ पर एक एमो बॉक्स पड़ा हुआ था। राइट साइड में एक गेट है जो कि यहाँ से बाहर जाएगा, तो हमें ना छत पे जाना है, वहाँ पर कोई एंटीना है जिससे कि हम लोग शायद से कुछ डीएक्टिवेट कर सकते हैं। बाकी प्रेस वी टू स्कैन द ओके यहाँ पर। ओ भाई 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 अब मेरे को समझ आया, तो यहाँ पर देखो सामने की तरफ मैंने एक सीसीटीवी है और सीसीटीवी के ओके ओके ओके, तो यार देखो हमें ना यहाँ पर पहुँचना है, ये जो है इसको यहाँ से डाउनलोड करना है। देख रहे हो कनेक्शन, देख रहे हो एक सीसीटीवी से यहाँ पर जो रखा हुआ डेटा है इस कंप्यूटर का सारा मैं डाउनलोड कर लूँगा और सारा मेरे मोबाइल में आ जाएगा। सोचो कितने ज़्यादा कनेक्शन है भैया ऐसा करके। बाकी ये क्या चीज़ है? ओके तो यहाँ पर एक और कैमरा पड़ा हुआ था, बट अभी मेरे को ये सब नहीं देखना, अभी जो अपना मेन काम था डेटा डाउनलोड करना वो हो चुका है। अभी जो सामने वाला गेट है वो मैं आराम से खोल लूंगा और मैंने खोले। ओ भाई रुक जाओ, भाई ऐसे धप्पा नहीं करना। ओ भाई 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 रुक जा, निकल यहाँ से अभी, रुक जाओ। इसको मेरे को ना पूरा एक गया, यहाँ पर एक सिलेंडर पड़ा है इसको तो मैं फोड़ूंगा, निकल यहाँ से धुआं होगा। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल जो मेरे पास एसएमजी है ना ये कुछ इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, बट हाँ ये बात है कि अगर मैं इसे हेड पे मारूंगा ना तो ज़्यादा डैमेज ही करेगी। बट कुछ बंदे ना पीछे की तरफ में बैठे हुए हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, अभी इनका मैं मुंह तो तोड़ूंगा। रुक जाओ बेटा, वहीं आके मारूंगा तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैं बेटा देसी कट्टा चलाने पे आ गया ना, कुत्ता बना दूंगा, लेकिन अभी देसी कट्टा पे आई नहीं। एक गया, अभी ये लास्ट बंदा बचा हुआ है, अब फुल स्टंट मारता हूँ मैं, आ रहा हूँ तुम बाकी भैंस की टांग। चलो ये भी गया और यहाँ पर गाइस अभी एक गेट हो रहा है, इसको ओपन करता हूँ और शायद से यही टेरेस पे जाने का रास्ता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो चलो अभी फिलहाल मैं सीधा यहाँ से आ चुका हूँ रूफ टॉप पे। क्या नज़ारे हैं यार लंदन के सच्ची में।
पीछे वो देखो वहाँ पर गोल वाला झूला लगा हुआ है, कितना बढ़िया लग रहा है। एंड यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है, बहुत गलत वाली भाई। मेरे को पता नहीं कि अजीब सा डर सा लग रहा है। ओके अभी ना फिलहाल ये जो डेटोनेटर था हम लोग उसे ऊपर लेकर आ चुके हैं। काउंटडाउन स्टॉप कैसे हो गया? कुछ गलत सीन हो रहा है यार, यहाँ समझ नहीं पा रहा मैं। काउंटडाउन अबेंडेड। ओ ये क्या, कुछ कनेक्शन से जा रहे हैं ये भाई। जिसने करा है ना वो हमसे भी बड़ा हैकर लग रहा है। ये क्या हो रहा है, स्क्रीन में उसका फेस आ गया। पीछे से कोई आया, रुक जा। यहाँ पर एक ड्रोन है। ओ भाई ये कौन है? एक ड्रोन आया जिसने पूरा प्रोजेक्टर टाइप कर दिया। हमसे बात कर रहा है, कितना बड़ा हैकर है भाई वो। उत्तरी गोली मार दी पे भाई। To save the world. You do know Londoners have died before, hmm? ये कह रहा है save the world की बातें कर रहा है और इंसानों को मार रहा है, पूरा शहर खत्म करके। But destruction is always the cure, and it begins today. Zero. यार इसकी सोच थोड़ी गलत है। ये कह रहा है destruction ही इलाज है। वाह भाई, ओ तेरी, जो बाकी बॉम्ब लगे हुए थे तीनों ब्लास्ट हो गए। मैं कहने जा रहा था दो ब्लास्ट हुए हैं, बट अभी तीसरा बॉम्ब भी ब्लास्ट हो गया, चौथा अपने नीचे है। अबे नहीं, वो तो डिफ्यूज कर रहा था, वो ब्लास्ट नहीं होना चाहिए वो ब्लास्ट। ओ तेरी गोली मार दी भाई साहब। मेरे को लग रहा था जो अपने इस वाली बिल्डिंग के नीचे बोम है वो ब्लास्ट होगा। और गाइस फाइनली यहाँ पर अपना गेम स्टार्ट हो चुका है। तो ये देखो, ये जो बिल्डिंग है ना इसको हमने बचा लिया जैसे तैसे करके। न्यूज आ रही है टीवी पे, लंदन में बहुत खतरनाक सीन हो गया। ये तो यार सब परेशान है। यार सोचो तीन बॉम्ब ब्लास्ट और तीन बॉम्ब में पता नहीं कितने ज्यादा आरडीएक्स पड़े हुए थे तीनों साइड। भाई पूरा शहर गया। ओ गलत सीन। सीईओ ऑफ प्राइवेट मिलिट्री कंपनी एल्बियन रिसीव्ड अ मैंडेट टू सिक्योर लंदन। ओके भाई ये मतलब ये शहर से सीईओ है वहां का। Where are you? DedSec. That terrorist group DedSec were framed for the bombings have been roundly rejected. Oh, bhai, oh. भाई ये तो कुछ गलत सीन हो गया। यहाँ पर जितने भी न्यूज रिपोर्टर्स हैं ना वो लोग कह रहे हैं कि जो डेडसेक है ना वही क्रिमिनल्स हैं, वही टेररिस्ट हैं, और ये जो जितना भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ना ये सारा का सारा डेडसेक की वजह से हुआ है, यानी कि जो अपने हैकर्स का ग्रुप था उसकी वजह से। लेकिन इन लोग को ये नहीं पता कि हम लोग वहां पर एक अच्छा काम करने गए थे, उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने गए थे। उल्टा पता नहीं यार ये क्या सीन है, मतलब कि बॉम्ब किसी और ने ब्लास्ट करा, फंस गए हम लोग। पता नहीं यार क्या ही हो रहा है यार। बाकी तो अभी फिलहाल जो अपना मेन कैरेक्टर था वो तो मर ही गया होगा मेरे हिसाब से, इतनी ज्यादा बुलेट पड़ी है। बाकी यहाँ पर ना फिलहाल हम लोग कुछ वो लड़की जिंदा है, ठीक है, जो मतलब अपनी मेन ग्रुप की हैकर थी जो हमें लीड कर रही थी वो शायद से भी जिंदा है। बाकी यहाँ पर आर से हमें सबसे पहले ना इसको हाईजैक करना है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर जो स्पाइडर वाली रोबोट है ना इसको मैंने हाईजैक कर लिया है। और यहाँ पर ये मैंने मारी जंप। एक सेकंड यार चुप रहो, मेरे को खुद तो कुछ समझने दो। तो यहाँ पर ये मैंने मार दी जंप। तो गाइस यार देखो अभी ना फिलहाल मेरे को ब्लूम के डेटा सेंटर को इनफिल्ट्रेट करना है, और ये जो आप स्पाइडर रोबोट देख पा रहे हो ना वो ये काम करेगा, इसको हम ही लोग कंट्रोल कर रहे हैं। अब सीन क्या है, ये जो CTOS पीछे लिखा हुआ है ना इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके थ्रू ना गाइस यार मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ना उसको हम पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको मतलब एक ब्लूम नाम की कंपनी ने बनाया था और उसी के डेटा सेंटर में अभी मैं हूँ। तो अभी ना गाइस जल्दी से स्पाइडर को आगे लेकर चलते हैं। यहाँ पर एक गेट है, इसको खोल लूंगा मैं। और भाई ये इतनी ज्यादा एक्टिव है भाई ये जो रोबोट है, मतलब यार सच्ची में क्या ही अमेजिंग सी चीज है। बाकी भी मेरे को कहां पर जाना है मेरे को पहले ना पता करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज। ओके तो मेरे को यहां पर आकर इस चीज को हैक करना है। तो यहां पर ये जो वायरस है इसको मैंने वायरस को जो है इस इनके कंप्यूटर में अपलोड कर दिया है। और यहां पर जो इनका पूरा सिस्टम है ना वो सारा मेरे सबसे टाइम पर या तो खराब होगा या फिर डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो चलो यार अभी ना जल्दी से यहां पर मैं ऊपर चलता हूं, मेन जो जगह है वो खुल चुकी है और अभी फिलहाल यहां पर मैं ऊपर भी आ चुका हूं। तो चलो अभी फटाफट से ना मेरे को शायद से ना यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। 3-axis CTOS डाटा क्लस्टर, तो अभी ना मेरे को 3-axis ढूंढने हैं। तो वो रहा एक पहला एक्सेस, अभी जल्दी से ये आ गया मैं सीधा एक्सेस पे। अभी फिलहाल यहाँ पर इसके अंदर मेरे को अपनी पेन ड्राइव लगा देनी है भाई, ये स्पाइडर एक नंबर है। तो चलो यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर एक साइड का तो जो काम है वो मैंने कर दिया, और यहाँ पर ये है डाटा क्लस्टर सी। तो चलो अभी जल्दी से इसके अंदर भी पेन ड्राइव लगा कर इसे क्रैश करते हैं, बाकी देखना क्या होने वाला है भाई। अभी यहाँ पर हैशिंग मेटा डेटा, तो ओके यहाँ पर ये भी डीएक्टिवेट हो चुका है। अभी यहाँ पर ये नीचे गया क्या? ओके यहाँ पर, ओ भाई
ये क्या हुआ यहाँ पर? गाइस जितनी भी विंडोज थी ना वो सारी की सारी खुल चुकी है और मेरे को पूरा का पूरा लंदन शहर नजर आ रहा है यहाँ से। बाकी भी फिलहाल ओके, तो ये है लास्ट वन। तो भी जल्दी से यहाँ पर ये वाला जो डेटा क्लस्टर भी है इसको भी पेन ड्राइव लगाकर डीएक्टिवेट हम लोग कर दे रहे हैं और इसके बाद में देखता हूँ क्या होने वाला है। स्क्रैपिंग सोशल मीडिया, भाई जितना भी इनका नेटवर्क था ना वो सारा का सारा हम लोग ने बर्बाद कर डाला। अभी मेरे को यहाँ से निकलना है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, क्या हो रहा है भाई कुछ नहीं समझ आ रहा, पर जो भी है काफ़ी तेज मेरे को यहाँ पर आवाज़ आ रही है, तो इस चीज़ को भी मेरे को हैक करना है यहाँ पर। चलो यहाँ पर CTOS को मैंने पूरा पूरा हैक कर डाला। ओके ये है गाइस देखो जिसकी मैं बात कर रहा था ना ब्लूम की, तो ये है वो कंपनी, इन्होंने अपना ऑफिस देखो जो डेटा सेंटर है ना कहाँ आसमान में बना रखा है, मतलब आसमान में नहीं है ये एक्चुअली एक टावर है। ठीक है तो गाइस सर देखो अभी ना फिलहाल मेरे को अब सीन समझ आ रहा है, जितने भी डेड सेक थे ना वो जो ब्लास्ट हुआ था ना उन सभी की वजह से जितने भी डेड सेक थे ना गाइस वो सारे के सारे मर गए थे, बट अभी एक डेड सेक बचा है जो कि है हम। तो अभी ना फिलहाल हमें अब अपना करेक्टर चूज करना है क्योंकि वाला करेक्टर तो मर चुका है, अब बारी है एक नए करेक्टर की। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल यहाँ पर जितने भी करेक्टर्स है ना उन सभी के पास अपनी एक स्पेशल एबिलिटी है, जैसे ये जो लड़की है इसका नाम है रोजा और इसकी स्पेशल एबिलिटी है टेक लेस डैमेज। ओके बाकी यार यहाँ पर इसकी स्पेशल एबिलिटी है सेमी ऑटो पिस्टल, शायद इसके पास रहेगी और बाकी ये थोड़ा ट्रैवर जैसा लग रहा है। ओके तो ये जो बंदा है ना इसकी पुलिस से बातचीत रहेगी, यानी कि अगर इस करेक्टर को हम सिलेक्ट करेंगे तो हम लोग यही करेक्टर बन जाएंगे, इसी को बन के हमें गेम खेलना है, बाकी हम फिर पुलिस से थोड़ा बहुत कांटेक्ट रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। बाकी ये जो बंदा ब्रूस इसके पास अपनी एक पर्सनल मोटरसाइकिल होगी, बट मोटरसाइकिल तो मैं नॉर्मली भी ले सकता हूं। ये जो बंदा गाइस ये तगड़ा है, फास्ट हैकिंग है, शॉर्ट हैक कूलडाउन, मतलब ये बहुत तेज हैकिंग कर सकता है। और ये जो बंदा है इसके पास एक मिली वेपन रहेगा, बाकी मेरे को कंफ्यूजन हो रही है कौन सा लूं। वैसे यार देखो ये जो गेम है इसके अंदर हैकिंग बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली है, तो मेरे हिसाब से मुझे इस बंदे को ले लेना चाहिए। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैंने अपना फाइनल डिसीजन ले लिया कि मैं इसी कैरेक्टर को चूज करने वाला हूं। इसका नाम है थॉमस फर्नांडेज, ये एक प्रोग्रामर है, इसकी एज है 24 और इसकी सैलरी है 98,500 pounds। ये पर मंथ की है या पर ईयर की है भाई, कुछ ज्यादा नहीं हो रही। बाकी कैरेक्टर्स की चेक करता हूं, भाई साहब इसके तो 3 lakh pounds है भाई, ये कितनी ज़्यादा सैलरी है, अपने करेक्टर की सैलरी बहुत कम है। बाकी इसकी 1,70,000 है, बट यार इसकी एज कुछ ज़्यादा ही है। बाकी ये तो बहुत गरीब है, इसकी 13,000 है, भाड़ में जाए अभी फिलहाल वो सैलरी से कोई मतलब नहीं है, अपने पास पावर ज़्यादा है। ठीक है बाकी यार यहाँ पर इसका अगर देखा जाए तो इसकी ग्रैंड मदर है फैमिली में और डैनियल पटेल नाम का एक बंदा है जो कि इसका थेरेपिस्ट है। अब ये पटेल है या फिर पटेल है मुझे नहीं पता, बट जहाँ तक है पटेल होना चाहिए यार, पटेल तो कुछ अलग ही हो जाएगा। तो चलो अभी फिलहाल अपना करेक्टर मैंने सिलेक्ट कर लिया है, अपना फाइनल डिसीजन ही सबसे बढ़िया है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर अपना गेम स्टार्ट हो चुका है और मैं आ चुका हूँ सीधा लंदन सिटी में। ओके यार क्या नज़ारे हैं, ओ ये एक सेकेंड, ये पुलिस वाले हैं ना भाई यहाँ पर पूरी की पूरी जो पुलिस है यहाँ के जो कॉप्स हैं ना पूरी के पूरे शहर में राउंड लगा रहे हैं। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो लंदन शहर कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो वो देखो ब्लूम का, ओके प्रेस टैप टू ओपन द मैप एंड प्लेस वे पॉइंट ऑन द मैप, जनरेट अ जीपीएस लाइन। ओके ठीक है यहाँ पर अगर जैसे मेरे को ना गाइज अभी ना मेन इनके ऑफिस में जाना है, जैसे कि देखो अभी ना सीन क्या है, जब वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना तो जितने भी डेड सेक के मेंबर्स थे जितने भी उस ग्रुप के बंदे थे वो सारे के सारे मर गए थे। तो लेकिन वो जो लड़की है ना जो मेन लीड करती है सबको जिससे हमारी बात हो रही थी उस वाले कैरेक्टर की, तो उसको लग रहा है ना कि एक डेड सेक का मेंबर बचा हुआ है और वो है हम। तो अभी हमें ना जल्दी से उसके पास जाना है और फिर आगे जाकर वो हमें काम देगी, हमें क्या करना है कैसे करना है जो भी। तो चलो यार अभी ना जल्दी से बाकी हम लोग आगे चलते हैं। इधर आप लोग देख पा रहे हो जो शहर पूरा का पूरा ब्लास्ट हुआ था कितना ज्यादा गलत सीन हो गया था। बाकी यार यहां पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं, मुझे बाइक चाहिए सिक्योरिटी गार्ड प्लीज मारना मत, यहां पर तेरी ऐसे की तैसे निकल यहां से। भाई ये पुलिस वाले की बाइक थी क्या, सायरन नहीं बजने लगा? ओ नहीं 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 मेरे को कोई भी गलत सीन नहीं चाहिए, अभी जल्दी से इस बाइक को लेकर यहां से मैं निकल लेता हूं। ओ भाई साहब क्या ही तगड़ी बाइक है यार ये वाली, सच्चे में ये पूरी इलेक्ट्रिकल है। ओके ये रेडियो बज रहा है इसकी ऐसे की तैसे चुप। तो चलो अभी फिलहाल यहां पर अब जाकर मेरे को बाइक साउंड आ रहा है, इतनी देर से रेडियो बज रहा था। बाकी तो यार यहाँ पर ना अभी फिलहाल मैं फुल एकदम मजे में पूरा का पूरा जो शहर है ना ये एंजॉय करने वाला हूँ, इसे पूरा एक्सप्लोर करने वाला हूँ। वैसे एंजॉय क्या होता है, आगे जाना मना है, मैं चले जाऊँ क्या? ओके जाकर एक बार, नहीं 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 जा रहा, नहीं जा रहा सर, सर 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 नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं जा रहा। अरे सर मैं नहीं जा रहा आगे, भाई साहब पहले दिन ही गड़बड़ कर दी मैंने, अभी जल्दी से यहाँ से मेरे को निकलना पड़ेगा वरना सारा काम ना खराब हो जाएगा। तो कि गाइस सर अभी ना फिलहाल मैं अपनी बाइक लेकर उस जगह से थोड़ा बहुत दूर आ गया हूँ, सामने की तरफ में एक पतली सी गली है, अपनी बाइक मैं यहाँ पर अंदर लेकर चलता हूँ। सर 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 गलती से हो गया सर, मारना मत, ये तो खुद डर रहा है ये क्या मारेगा मेरे को। तो चलो अभी जल्दी से हम लोग आगे चलते हैं। बाकी यहाँ पर मैं हैकिंग वैकिंग अभी नहीं कर पाऊंगा, पहले ना मुझे जाकर उस वो जो लड़की है ना उससे मेरे को बात करनी पड़ेगी जो मेन उस सीक्रेट सोसाइटी की लीडर है। वे तेरी ऐसी की तैसी, तू होता कौन है मेरे को गिराने वाला? अच्छा ये गाड़ी ऑटोमेटिक चल रही है, इसके अंदर देखो कोई भी ड्राइवर नहीं है। वो भाई साहब ये कितनी ज्यादा बढ़िया टैक्सीज है यार यहाँ।
पर, बाकी देखो हर जगह पर न्यूज ही न्यूज चल रही है यार, क्या ही नजारे हैं जगह का। तेरी ऐसी जैसे भीख मांगना गंदी बात होती है, तो मैंने बेमतलब मार दिया यार उसको। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो शहर है कितना ज्यादा बढ़िया है, कितना ज्यादा प्यारा है, चारों तरफ एकदम बढ़िया सीन है। वो शायद से मैं घूम फिरा के उसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ से मैं गया था। बाकी इस तरफ में यार यहाँ पर एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है भाई, कितने ज्यादा तगड़े कैबिनेट है यार, मतलब एकदम एक नंबर पीसी है। बाकी अभी ना जल्दी से मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पर ये गाड़ी आई है सामने की तरफ में, इसको ये मैंने टापा। नीचे की तरफ में कुछ बंदे इनसे बात बात करके देखते हैं। और सर क्या हाल चाल है भाई, लंदन में बैठे जमीन पे बैठ रहे हो, लंदन की शोभा खराब कर रहे हो तुम लोग, निकलो यहाँ से भाई। मेरे लिए जमीन पे बैठ के बर्गर खा रहे हैं, ये क्या बदतमीजी है। सामने इतने बढ़िया बढ़िया बेंच लगे हुए हैं। वैसे यार गलती इन लोग की नहीं है, क्योंकि ये जो बेंच है ना इन पर ये बेकार लोग बैठे हुए हैं। इधर आओ भाई, यहाँ पर तुम बियर वियर पीकर फुल एकदम यहाँ मजे करते हो। भाई तू क्यों आ रहा मारने, भाई साहब उसको मैंने मारा था ना, इसलिए मेरे से पंगे लेने आ रहा है। बाकी भी फिलहाल कुछ बंदों को ना मारने मेरे को ज्यादा मजा आता है। ये सॉरी बोल रहा है मेरे को, सॉरी किस लिए बोल रहा भाई, तो नहीं मार रहा जान, नहीं मार रहा, टेंशन मत कर, वरना भी तेरा मैं मुंह तोड़ देता। बाकी तो यार ये जगह पर मतलब कितना मजा आ रहा है यार यहाँ पर एक्सप्लोर करने में, पूरी की पूरी जगह ब्लास्ट हुई है सारे। अरे आप कौन हो सर, हेलो क्या हो गया, अबे भैंस की डंग पुलिस वाला है क्या तू यहाँ पर। मेरे को लग तो रहा है कि गाइस ये मेरे को कॉप ही लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, अरे सर गलती से लग गई यार, मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, ओ भाई 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 पीठ पे मार दी संटी भाई, भागना पड़ेगा अभी वरना ये लोग बहुत ही बुरी तरह मेरे को मारेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर एक गली, अच्छा ये तो एक ऐसी जगह है, मेरे को एक पतली सी गली में जाना पड़ेगा अभी ना गाइस। यार देखो ज़्यादा टाइम पास नहीं करना, अभी जल्दी से ना मैं उस जगह पर चलता हूँ जहाँ पर वो जो अपनी सीक्रेट सोसाइटी की लीडर है मिलने के लिए बुला रही है, वही हमें आगे का काम बताएगी और कैसे यहाँ पर रहना है क्या करना है सब कुछ वो हमें अभी सिखाने वाली है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से वहां पर चलते हैं। पूरा का पूरा शहर ब्लास्ट हुआ है, सब लोग अपना काम काज करने में दोबारा से लग रहे हैं, कोई अपनी दुकान रिपेयर कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल वहां पर जाने के लिए ना सबसे पहले मुझे एक गाड़ी चाहिए होगी, और यहाँ पर इतनी ज्यादा बढ़िया बढ़िया गाड़ी घूम रही है ना मैं क्या बताऊँ। तो जल्दी से यहाँ पर मैं जंप मार के आगे चलता हूँ। सामने से एक गाड़ी आ रही है, सर 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 एक सेकंड मुझे एक गाड़ी चाहिए, अभी मेरे को बहुत दूर जाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन नहीं चाहिए। पीछे यार इतनी ज्यादा बढ़िया गाड़ी आई है, लैंड रोवर। ओ रोक 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 भाई साहब, ये गाड़ी तो मेरे को अभी की अभी चाहिए। अभी जल्दी से ना गाइस यार ये गाड़ी मैं लेकर जाऊंगा, भाई साहब अपनी पूरी पूरी रेंज रोवर की तरह लग रही है गाड़ी। तो चलो समझ लो गाइस यार एक टाइप से अपने को रेंज रोवर मिल गई है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल वहां पर जाने के लिए मैंने अपने मैप में जो है वे पॉइंट सेट कर लिया है। अभी जल्दी से ना मैं अपनी गाड़ी को लेकर उसी जगह पर जाने वाला हूं। बाकी यार ये सच्ची में काफी ज्यादा हैवी वेटेड कार है, मतलब कि जब ये चल रही है ना तो बहुत ज्यादा हैवी साउंड आ रहा है। तो चलो अभी जल्दी से अपनी गाड़ी को यहां से आगे लेकर चलते हैं, और वो जगह यहां पर पास नहीं है, बहुत ज्यादा दूर है, तो मैं चलते जाऊंगा। और साथ के साथ ये जो शहर है ना प्यारा सा लंदन, इसे पूरा एक्सप्लोर भी करते चलेंगे, और अपनी ड्राइविंग फुल वैसी चलने वाली है जैसे हम लोग GTA में चलाते हैं। ओके ये देखो यार क्या नजारे हैं, मतलब पूरा मार्केट ही मार्केट है हर जगह, कोई भी जगह ऐसी नहीं है कि जहां पर घर ना बने हो, पूरी डेवलप सिटी है यार ये। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर सीधा उसी जगह पर पहुंचने वाला हूं जहां पर मुझे सीक्रेट सोसाइटी की लीडर से मिलना था। तो वो एक रेस्टोरेंट में, सॉरी भाई एक सेकंड आराम से यार, इतनी ज्यादा बढ़िया गाड़ी है और इतनी बुरी तरह ठूकी कैसे मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। तो यही है वो रेस्टोरेंट, इसका नाम क्या है पढ़ने में भी नहीं आ रहा, द कार्ल्स फॉर्च्यून। तो भी जल्दी से हम लोग यहाँ पर अंदर चलते हैं। ओके तो ये है वो रेस्टोरेंट, अंदर जाने के लिए तो कुछ इस टाइप की ना गाइस हमें पजल सॉल्व करनी है, तो काफी ज्यादा मजा आएगा। तो पहले हमें यहाँ पर घुमाना है, इतना कनेक्शन अपना डन हो गया। अभी ये जो जगह रेड है बट ये यहाँ से नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है, आगे भी कुछ कनेक्शन है। ओके इधर से होगा शायद से, हाँ इधर मिस्टेक है, जल्दी से इसे रोटेट करा एंड यहाँ तक कनेक्शन ओके है, इसको भी रोटेट कर दिया। अभी जल्दी से यहाँ पर मैं आगे चलता हूँ, इस जगह को भी मुझे रोटेट करके अनलॉक करना है। और फाइनली यहाँ पर इतना काम तो हो चुका है, और जैसे तैसे करके तुम्हारे भाई ने ये वाला गेट जो है खोल दिया है। तो चलो अभी जल्दी से यहाँ पर हम लोग अंदर आ चुके हैं। वहाँ यार इधर कुछ पेंटिंग्स वगैरह रखी हुई है, और ओके इधर कुछ सीक्रेट गेट टाइप है। ओ भाई खुल गया गेट को। ओ भाई साहब आगे कितना ज्यादा सीक्रेट गेट था यार उधर। तो चलो गाइस यार फाइनली हम लोग यहाँ पर सीक्रेट बंकर के अंदर आ चुके हैं, और लेफ्ट में भी एक रास्ता जा रहा है, राइट में भी एक रास्ता जा रहा है, बट जहां तक मुझे लगता है ना मुझे यहाँ से सीधा जाना चाहिए। ओके सबेन पता नहीं यार कहाँ पर, मैंने शायद सबसे पहले सबाइन बोल दिया, तो उसका नाम सबेन है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी जल्दी से यहाँ पर हम आ चुके हैं इस वाले कंप्यूटर पर, ये कंप्यूटर है ना। ओके तो यहाँ पर इस पे कोई सेटअप पे बैठा नहीं है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है भी वैसे मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ। ओके ऑक्सिलरी पावर, क्या सीन चल रहा है इस कंप्यूटर में, समझ नहीं आ रहा। तो
तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने इसकी बात तो सुन लिया। बाकी यार ये कह रहा था कि ना पहले आकर यहाँ पर इस कंप्यूटर में पहले पावर अप करो, और जैसे मैंने पावर अप करा ना जहाँ जाके लाइट बनती सारी की सारी लाइट जो है स्टार्ट हो गई है। तो चलो अभी ना जल्दी से यहाँ पर हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पर चलते हैं। बाकी तो यार यहाँ पर अभी काफ़ी कुछ ना हमें पहले सीखना पड़ेगा कि ये जो इनका मेन सेटअप है वो कैसे होगा, क्योंकि हम लोग डेड सेक तो हैं बट यहाँ के हमें रूल नहीं पता इनके जो ग्रुप है वो कैसे करते हैं क्या करते हैं, जो भी सीन है वो सब कुछ समझना पड़ेगा। ओके यहाँ पर ये जो था बैगली सर्वर उसको मैंने एक्टिवेट कर दिया। तो बैगली वही है रोबोट जिससे अपनी बात चलती है। Terrorist group DedSec responsible for deadly bombings in London. Dalton Wolf dead? I leave you people alone for a second and you immediately cock it all up. तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर ये जो बैगली रोबोट है ना उससे बात हो गई है, और गाइस यार वो भी उसी के बारे में बात कर रहा था कि जो डेल्टन है वो बॉम्ब डिफ्यूज करने गया था फिर वो मर गया। अब लेकिन ना उसको पता करना है कि आखिरकार वो कैसे मरा। तो अभी ना फिलहाल सबसे पहले ना हमें सबाइन से बात करनी है। तो चलो अभी जल्दी से यहाँ पर मैंने उससे बात करने की कोशिश करी है। ओके तो यहाँ पर अभी फिलहाल अपने आगे एक मॉनिटर निकल कर आया है, और ये मॉनिटर नहीं है कुछ अलग ही चीज है। ओके सबीन सॉरी यार मैं सबाइन क्यों बोल देता हूँ उसे, ये रही सबीन। ओके ये जिंदा कैसे बची हुई है लेकिन इतने बड़े ब्लास्ट में। Your demented little voice. Is your memory intact? Not even slightly. The last record I have is of our HQ being raided. तो गाइस यार यही है बैगली रोबोट। Zero day. Okay. Ring any bells? Zero day. But the HQ was attacked by some men in black, the same that were at Parliament, maybe working together. We didn't stand a chance. They just gunned everyone down. Fuck, that's mental. You were lucky to get out alive. I managed to escape through the sewers to Camden. A contact smuggled me out of the city and I've been hiding out in the north since. Prudent. Your profile is red flagged as a high priority target in the city surveillance system. Even a partial recognition here would have you hunted down and shot on sight. Oh. Yeah. About that. I'm guessing that if I join up, that kind of attention extends to me, right? Christ, Sabine, it's fucking risky. Listen, if anyone knows anything about risks, it's me. I lost everything and everyone. Okay. But it comes down to this. London is in a death spiral. And if DedSec can't pull it out, trust me, no one can. The city needs a resistance. तो गाइस अभी ना फिलहाल हम कहने को तो हैकर्स हैं बहुत बड़े बड़े, बट मेन हम सिटी को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। ओके बट अभी तो फिलहाल हमारे जो पूरी टीम है हैकर्स की वो सारी मर चुकी है, बस अपनी जो लीडर है वो बची है और एक मैं बचा हूं। वेलकम टू DedSec। अब आने वाला मजा, देखते हैं क्या क्या करना है अभी हमें। तो अभी फिलहाल यहाँ पर हमारी इससे तो बात हो गई है, बट मुझे नहीं पता ये कहाँ पर छुप कर बैठी हुई है, ये भी बहुत बड़ी हैकर ही होगी। ओके यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, टेक पॉइंट्स गैजेट एंड वेपन्स इक्विपिंग टेक, ये टेक अपग्रेड्स हैं सारे के सारे। प्रेस टैब मैनेजर ओपन द मेनू। ओके तो यहाँ पर ये है अपना मेन जो शॉप है, तो यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट से इसे ले सकते हैं। तो चलो अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं ये जो स्पाइडर वाली कार थी ना, रिमोट कंट्रोल वाली कार नहीं, इसे रिमोट कंट्रोल स्पाइडर कहेंगे, आरसी स्पाइडर आप इसे कह सकते हो। तो ये जो मैंने परचेस कर लिया, चलो ठीक है अभी फिलहाल यहाँ पर इसे मेरे को इक्विप भी करना है। ठीक है तो हाँ वो टीम के अंदर आएगी, तो मुझे यहाँ पर जाकर इसे एडिट करना है, और ये जो गैजेट्स हैं इसमें मैं इसको इक्विप करने वाला हूँ। तो चलो अभी फिलहाल ये जो इक्विप हो गई है, यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑडियो फाइल्स पड़ी है। Upload. In this episode, we're talking about CTOS 3.0. Okay. ये मैं आराम से सुन के समझूंगा, अभी मेरे को CTOS का पहले पूरा पता करना पड़ेगा। तो ये जो ऑडियो क्लिप्स है ना गाइस, हम लोग किसी की भी हैक करके सुन सकते हैं, तो ये अपने काम आ जाते हैं कभी कभार। बाकी ये क्या चीज है, एक सेकंड, फ्लॉपी डिस्क है। ओके तो इसको ले लेते हैं। ठीक है वो कह रहा है कि पहले एक मास्क ले लो यहाँ पर इसमें से। तो ये है यहाँ की शॉप जिससे हम लोग अपना कपड़े वगैरह जो है अपग्रेड करने आएंगे। बाकी यार यहाँ पर शॉप के अंदर, ओ भाई कितनी ज्यादा बढ़िया बढ़िया आउटफिट है यार, एक सेकंड रुक जाओ भाई साहब, सच्ची में काफी सही है, बट अभी फिलहाल ये काफी ज्यादा महंगी है, अपने पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है। तो अभी फिलहाल मास्क यहाँ से मैं ले लेता हूँ, चार ऑप्शन है अपने पास, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, तो ये वाला मेरे, ये तो बेकार लग रहा है यार, ये अच्छा है ये ले लेते हैं। ठीक है तो चलो अभी इसको मैं इक्विप कर लेता हूँ, बाकी जब पैसे आ जाएंगे तो जो नए वाले कपड़े हैं ना वो भी मैं खरीद लूंगा। अभी फिलहाल के लिए मैं इन्हीं कपड़ों में आगे बढ़ने वाला हूँ। ओके यू नीड टू लर्न हाउ टू थ्रो अ पंच एंड हाउ टू टेक वन। ओह मुक्का मारना सिखाओगे तुम हमें? चल। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर ये जो सबीन है ना, ये हमारा थोड़ा सा टेस्ट लेने वाली है, टेस्ट नहीं इसे कह सकते हैं कि हमें थोड़ा बहुत ट्रेन करने वाली है। बाकी तो यार यहाँ पर इस वाले मॉनिटर के अंदर यूट्यूब खुला हुआ है, मुझे अपना चैनल सब्सक्राइब करना है यार, पहले ये कीबोर्ड क्यों नहीं चल पा रहा है भाई यार, ये देखो यहाँ पर अच्छा खासा यूट्यूब खुला हुआ है,
बट मैं नहीं सब्सक्राइब कर सकता। अगर आप लोग कर सकते हो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उससे जरूर से दबा देना यार प्लीज, ठीक है। तो चलो अभी जल्दी से हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। बाकी यार इधर तो एक रिंग है, मुझे लग रहा है रेसलमेनिया होने वाली है भाई। ये कैसा टेस्ट हो रहा है, कुछ बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। पता चला हमारी ये रेसलमेनिया ही करा दे, बड़े बड़े रेसलर्स भेज के हमारी कुटाई करवा दे। मैं एक प्रोग्रामर हूँ उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर इन्होंने मेरे को रिंग में तो भेज दिया है। और ये तो वही लड़की है ना जो बारटेंडर बार मतलब जिस रेस्टोरेंट में हम लोग आए थे ये वही खड़े होकर बियर बेच रही थी। और ये अभी नीचे क्या कर रही है? ओके तो अभी ना फिलहाल हमें ओ बाय 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 ये रखे ना इसके रख के तेरी भैंस निकल यहाँ से। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल हम लोग दो टेस्ट में पास हो चुके हैं और ये है तीसरा टेस्ट। तो हमें पहले इससे बचना है फिर इसे मारना है, ठीक है। ये मैं फिर बचा और फिर मारा, ये चीज सीखनी थी बस। ये बचा चलती रही ऐसी की भाई यार मजा आ रहा है इससे लड़ने में। तो चलो अभी तीन टेस्ट में पास हो गया, ये है चौथा टेस्ट। चौथा टेस्ट नहीं है, चौथा सीधा फाइनल एग्जाम करा दिया इन्होंने, इसको मारना है अब। बाकी तो ये तेरी ऐसे किस तैसी निकल यहाँ से, अब पड़ेगी इसके मुंह पे। जैसे ही मारा अब मैं पीछे होऊंगा, अब तेरी निकल यहाँ से। भाई इतनी तेज लग रहा होगा यार इसके, बिल्कुल इधर आ अब रुक जाओ। ये आगे गए, पहले इसका ब्लॉक तोड़ा दिया मुंह पे। ओ भाई मेरे लगी इस बारी बड़े, अरे 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 भाई 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 भाई, भाई। देखने में लड़की शरीफ सी लग रही, शरीफ तो नहीं लग रही वैसे, खतरनाक ही लग रही है। बट निकल यहाँ से, अब रख रख के ना एक ही मारना बस इसको मैं। इधर आ तेरी भैंस की, निकल यहाँ से। एक मुक्के की जान और बची है। लो भैया खेल ही खत्म कर दिया इसका तो हमने यहाँ पर। ओके अरे नहीं 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 भाई जिंदा नहीं मारना, एक्टिंग क्यों कर रहा है जबरदस्ती की। ओके भाई फिलहाल उसकी पूरी हालत खराब हो चुकी है। चल 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 उठ जा, एक्टिंग मत कर, हमें ट्रेनिंग करने आई थी, हमें मतलब हमें ट्रेन करने आई थी। तो चलो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर फुल एकदम टेस्ट में पास हो चुके हैं, अभी जल्दी से हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ओके तो हमें ना गाइस उसी जीरो डे को फाइंड करना है। वो जीरो डे उसका नाम है या फिर पता नहीं क्या चीज है, वो मेरे को समझनी पड़ेगी। बट हाँ मुझे इतना पता है हमें उसे ढूंढना है। I'll let you be the judge of how best to handle yourself, but remember, you represent DedSec now. Okay. तो जो पूरी की पूरी DedSec है, जो पूरी पूरा सीक्रेट सोसाइटी है, इसके अंदर अब कोई भी नहीं बचा। जो सबीन है उसने हमें साफ बोल दिया कि अब बस तुम ही हो जो ये काम को करोगे। मतलब हमें जो ये जो काम करना चाह रहा है, पूरे पूरे शहर को तबाह करना चाह रहा है, उसको निकाल के उसे खत्म करना अब कैसे होगा पता नहीं यार, वो बहुत बड़ी चीज़ थी। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं उस सीक्रेट बेस से बाहर आ चुका हूँ, अभी जल्दी से ना हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं। बाकी तो यार ये काफी ज्यादा बढ़िया रेस्टोरेंट है, तो चलो अभी यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, मुझे इधर ज्यादा टाइम पास वगैरह नहीं करना है। ओके आर्म्ड मर्सनरीज पेट्रोल आवर स्ट्रीट्स अलेजेडली टू कीप पीपल सेफ बट रियली दे आर कीपिंग द पीपल स्केयर्ड। चलो ठीक है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर अपना DedSec का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। ये जो सबीन है ना गाइस यार, ये कह रही है कि इस टाइम पर ना हो सके ना एकदम शांत शांत घूमना, ज्यादा लड़ाई वड़ाई करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि ये जो पूरे के पूरे ब्लास्ट हुए ना इसकी वजह से पूरे के पूरे लंदन में ना इस टाइम पर जितने भी बंदे हैं सारे के सारे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि चारों तरफ पुलिस वालों की देखो कैसे गाड़ियां लगी हुई है। तो सीधी सी बात है जो नॉर्मल पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा डर जाएगी। तो हमें थोड़ा बहुत ना जितना भी काम है सारा पेशेंस से करना है। यहाँ पर देखो कितनी ज्यादा बढ़िया बढ़िया गाड़ी आ रखी है, वैसे मेरा पर मरना इस गाड़ी को चलाने का कर रहा है, बट अभी कोई नहीं मैं साइड हो जाता हूँ यहाँ से। बाकी ये गाड़ी अच्छी है बट इधर कुछ पुलिस वाले खड़े हैं, तो मैं कोई भी फालतू हरकत नहीं करना चाहता। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल हम लोग इस एरिया से दूर निकलते हैं, कहीं आगे जाकर मैं बढ़िया सी गाड़ी का जुगाड़ करूंगा जहाँ पर पुलिस वाले नहीं है, और उस गाड़ी को लेकर मैं जाने वाला हूँ सीधा अपने मिशन करने के लिए। बाकी यार देखो अपने पास ना एक स्पेशल पावर ये है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग एक हैकर है। अब यहाँ पर देखो ये एक लेडी खड़ी हुई है यहाँ पर ना, मैंने खड़े खड़े मेरे पास इसका नंबर भी नहीं था कुछ भी नहीं, और इसके मोबाइल मैंने मैसेज भेज दिया और ये परेशान हो गई, मैसेज आया कहां से क्या ही सीन है। बाकी तो भी फिलहाल ना यहां पर एक गाड़ी है। सर 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 जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल टाइम नहीं है। गाड़ी तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है, अभी जल्दी से गाइस इस गाड़ी को लेकर मैं से निकल लेता हूं। और मैंने गड़बड़ कर दी, मेरे पीछे पुलिस पड़ चुकी है यार, उसने मेरे को शांत रहने के लिए बोला था, मैं उतना ही हल्ला कर रहा हूं। ओ नहीं नहीं नहीं, रेडियो बंद करने के चक्कर में ना बेमतलब का एक्सीडेंट हो गया। अभी फटाफट से गाड़ी लेकर निकलता हूं। ओके भाई ये पुलिस तो काफी ज्यादा खतरनाक है, ड्रोन लेकर आ रही है भाई। नहीं नहीं नहीं, इतने ज्यादा खतरनाक सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, मैं तो बच के भी नहीं जा पाऊंगा यार इन लोग से। यार मेरे को सबीन ने बोला था एकदम शांति से घूमना है वरना काम खराब हो जाएगा, अभी जल्दी से मेरे को इनसे पीछा छुड़ाना पड़ेगा भाई। ये अपनी GTA नहीं है, यहाँ बहुत गलत सीन हो जाएगा पहले ही बता रहा हूँ मैं। तो कि गाइस अभी ना फिलहाल आप लोग एक बारी मेरी गाड़ी पे नजर मारो कितनी ज्यादा बढ़िया है। मतलब कि पीछे की तरफ में जब मैं गाड़ी चला रहा था ना तो मेरे को ये वाली गाड़ी दिख गई, मैंने अपनी गाड़ी इसकी गाड़ी के आगे रोकी और ये जो गाड़ी है ना भाई सच्ची में काफी ज्यादा बढ़िया है। तो अभी फिलहाल मैंने इस गाड़ी को चला लिया, अच्छी बात तो यह कि पुलिस वालों को ज्यादा पता नहीं चला। तो अभी ना फिलहाल अपनी कार को मैं यहीं पर पार्क करता हूँ। बाकी मेरे को यहाँ पर अंदर जाना है गाइस वाली बिल्डिंग के ऊपर, ये क्या है रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस। चलो ठीक है अभी फिलहाल मैं अपनी कार को यहीं पर पार्क कर रहा हूँ, ज्यादा फोटो वोटो मत खींचने लग जाना इसके साथ, ठीक है ना। अभी जल्दी से यहीं पर रोक देता
लेता हूँ एक बारी, आराम से बाहर निकलेंगे। चलो अभी ना फिलहाल मेरे को यहाँ पर से अंदर जाना है, मैं जंप मार लूंगा इतनी ऊंची, वैसे मार तो लूंगा, मतलब ये जो हैकर है ना ये आधे से ज्यादा पार्कर लगते हैं मेरे को। ओके तो ये देखो यहाँ पर मैंने जंप मार ली, बाकी इधर एक सीसीटीवी है जो कि ऑफ पड़ा हुआ है। वाह क्या खराब कैमरे है भाई यहाँ पर। ये बिल्डिंग ही पूरी टूटी हुई है। Restricted areas are dangerous. They are marked on the mini map. Trespassers will be attacked on site. Okay. तो ये जो रेड वाला एरिया ना, हमें इसके अंदर नहीं जाना, सीधी सी बात है लोगों में मारना शुरू कर देंगे। स्काउट करने के लिए प्रेस V2 स्कैन द एरिया एंड रिवील स्काउटिंग अपॉर्चुनिटीज। हाईजैकिंग रिवील कैमरा एंड ड्रोन टू स्काउट और यूज ट्रैप्स। चलो ठीक है अभी फिलहाल ये सब तो मेरे को समझ आ गया। तो ये जो है ना गाइस पूरा पूरा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, हमें सोच समझ के अंदर जाना है। ओके तो अच्छा ये कोर्ट ऑफ जस्टिस है जहाँ पर बहुत तगड़ा ब्लास्ट हुआ है। ऊपर की तरफ में कैमरा है, इसको मैं हैक करता हूँ। ओके तो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक सीसीटीवी कैमरा हैक कर लिया है और मुझे ना यहाँ से कुछ डेटा चुराना है। और सामने की तरफ में ना यहाँ पर एक सीसीटीवी और था, तो इधर कुछ कंप्यूटर्स तो रखे हुए हैं बट डेटा इधर है, डेटा इधर है गाइस। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पर मैं अंदर आ चुका हूं। और बाकी यार ये देखो यहां पर ऐसे लग रहा है किसी का मर्डर हुआ है, ये कुछ ज्यादा गलत सीन है। और जो मेन डेटा है वो कहां पर है? ओके तो ये है शायद से वो। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल मेरे को यहां पर मेन डेटा डिस्क तो मिल गई है। और इस टाइम पर ना गाइस यार देखो मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, तो मुझे ना पूरा घूम के अंदर आना पड़ेगा। और अंदर आने के लिए क्या रास्ता होगा, कहां से आना है, वो चीज मेरे को ना अभी तक समझ नहीं आ रही है। यहां पर जो दोनों गेट है वो लॉक पड़े हुए हैं, तो मुझे ये गेट कहां से अनलॉक करना है पता नहीं यार क्या सीन है। बट जो भी है अभी ना फिलहाल मैं वापस से चलता हूं, मुझे कुछ ना कुछ तो यहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलो यार अभी ना फिलहाल ये जो जगह है मैंने पूरी की पूरी स्काउट तो कर लिया है, बट अभी ना मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, उस जगह के अंदर कहां से जाना चाहिए। यहां पर ये लड़की दीवार में क्या खड़ी होकर पढ़ रही है, वहां तो कुछ लिखा भी नहीं है। अगर इधर पढ़ रही होती तो समझ भी आता, वहां कुछ लिखा ही नहीं है पता नहीं यार। अभी ना फिलहाल जल्दी से यहां पर मैं अंदर चलने की कोशिश करता हूं। नहीं नहीं सर 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 मैं जा रहा हूं, मारना नहीं मारना मत भाई। अभी ना फिलहाल मैंने लग रहा गड़बड़ कर दी, और ये जो बंदे है ना मेरे पीछे, ओ तेरी तू कौन होती है मारने वाली, तू भी पुलिस वाली थी क्या, मेरे को पता नहीं। तो ओ भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है गाइस, अभी मेरे को ना यहां से भागना पड़ेगा, सारा का सारा काम मैंने ना खराब कर दिया। रुको 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 एक गाड़ी चाहिए होगी वरना ये लोग मेरा मुंह तोड़ देंगे बहुत बुरी तरह। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं भागता भागता वापस से उसी जगह पर आ चुका हूँ, और लेफ्ट साइड में अपनी गाड़ी अभी भी सही सलामत खड़ी हुई है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग वापस से इस जगह के अंदर चलते हैं, और इस बार ही ना मेरे को लास्ट टाइम की तरह कोई भी गलती नहीं करनी, मुझे वहां तक जाना है और सारा का सारा जो डेटा है वो हैक करना है। और यार यहां पर देखो आर्म ट्रैप पड़ा हुआ है, यहां के जो बंदे हैं मैं उन्हें मार सकता हूं। तो जैसे ये बंदा उधर जाएगा ना उसके बाद ये जो आर्म ट्रैप है ना मैं उसको ब्लास्ट कर दूंगा, मतलब कि इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और ये जो है करंट खा के मर जाएगा और किसी को मेरे ऊपर शक भी नहीं होगा। तो एक बंदा उधर हो रहा है, मेरे ऊपर कोई नहीं शक करेगा बट मैं पहले उतर। ओ नहीं 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 मेरे को कुछ नहीं कहने का, मेरे को कुछ नहीं कहने का। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल यहां पर जो लेफ्ट साइड में आर्म ट्रैप था ना उसको भी मैंने इक्विप कर दिया है, और ये जो लड़की है वहां पर जाने की गलती कर रही थी और बेचारी इस टाइम पर करंट खाकर मर गई है। तो चलो अभी फिलहाल एकदम काम पूरा बढ़िया चल रहा है, और अभी मैं वापस से रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर आ चुका हूं। पहले ना मेरे को यहां पर वी दबा के ना चेक कर लेना चाहिए कि आखिरकार कनेक्शंस का सीन क्या है, वो जो वहां का गेट है कैसे अनलॉक होगा। तो ये देखो जो रेड वाली लाइन है ना ये जा रही है उस तरफ में, ठीक है। बट अभी ना देखो गाइस एक सेकंड, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ यार, अभी ना मेरे पास उससे भी ज्यादा एक बढ़िया तरीका है। अपने पास ये जो स्पाइडर है ना गाइस क्यों ना इसे भेजा जाए, जल्दी से मैं हाईजैक करता हूँ। और अभी जल्दी से ना गाइस यार इसको अंदर लेकर चलते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसे कोई भी पहचान पाएगा। बाकी यार यहाँ पर मेरे को बस पूरा का पूरा रास्ता जो है ना पता करना है कि आखिरकार मेरे को कहाँ पर जाना चाहिए। अभी फिलहाल ये जो रेड वाली चीज है ना, ओके तो गाइस देखो बिना फिलहाल एक ही बार में मेरे को जगह पता चल गई है। तो ये वाला जो डोर है ना मैं यहाँ से अंदर आना है मेरे को, उसके बाद इसको मैं इसी से कर सकता हूँ क्या, ठीक ओके। तो यहाँ से अनलॉक हो जाएगी, ये मैंने लगाया से अंदर स्पाइडर में, बाकी ये अनलॉक नहीं हुआ क्या, ओके पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ, जहां तक मुझे लग रहा है ये अनलॉक हो गया। ओके 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 तो ये गाइस यार इस टाइम पर ना ब्लू हो गया है। तो चलो अभी ना जल्दी से हम लोग अपने स्पाइडर को लेकर चलते हैं ऊपर। तो जहां तक मुझे लगता है अगर ये लोग स्पाइडर को देखेंगे ना तो ये इसको भी मारेंगे, क्योंकि यार देखो रोबोट वोबोट के बारे में इन सब लोग को पता है, इनको पता है इस टाइम पर हैकर बहुत ज्यादा है। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं अपनी स्पाइडर को लेकर इस साइड पर तो आ चुका हूँ, बस अभी ना मुझे यहाँ से ऊपर वाले फ्लोर पर जाना है। और गाइस यार फाइनली मैं यहाँ तक भी पहुंच गया हूँ, तो बस ये वाला गेट मैंने कर दिया एक ही बार में ओपन, और यही है ना वो चीज जिसे हमें हैक करना है। और इस चीज से ही हो पाएगी क्या हैक, नहीं यार एक सेकंड हो जाएगी यहाँ पर से करा इंटरेक्ट। ओके तो यार ये सच्ची में बहुत ज्यादा बढ़िया आइटम है यार। ओके तो यहाँ पर चलो भाई अभी फिलहाल अपना एक काम तो हो गया है। ओके सामने से एक बंदा आ रहा है, नहीं 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 ये जैसे यहाँ से अंदर आएगा ना मैं फिर उसके बाद निकलूंगा, नहीं मेरे को मारेगा ये, मारेगा 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 100% मारेगा। बंद कर दिया तेरी ऐसे किधर सी, खुलेगा कैसे, खुल जाएगा ना, हाँ खुल गया मेरे को परमानेंट ही बंद कर दिया। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर अपना ये काम तो हो गया है, अभी जल्दी से यहाँ पर मैं इसको वहीं पर छोड़ दूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। चलो ठीक है, वैसे वो वहाँ पर का सीन नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर ना सेम टू सेम वापस आकर एक और निकाल सकता हूँ। तो बस मुझे ना यहाँ पर 3 को होल्ड करके रखना था और हमारे पास एक और वो जो है मतलब की वापिस आ जाएगी। तो चलो यार अभी ना फिलहाल एक काम तो हमने कर दिया है, और जो दूसरा काम है हमें डिस्टर्ब करना है प्रोपेगेंडा को। तो गाइस
देखो बिना फिलहाल ये तो अपना फर्स्ट डे था लंदन शहर में, काफी ज्यादा मजा आया, फुल एंजॉय करा। बट अभी ये जो शहर है ना बहुत ज्यादा बड़ा है, पूरा एक्सप्लोर करना है और बस अब आप लोग देखते जाओ आगे होता क्या क्या है, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसे खेलने के लिए। अगर आपको भी ये वाली जो सीरीज का फर्स्ट एपिसोड है अच्छा लगा हो तो कमेंट में जाकर जरूर बताना, और आप लोग वॉच डॉग्स की गेम प्ले सीरीज देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट करके बताओ, और इस वीडियो को जाकर लाइक कर दो। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 4 लाख लाइक के लिए, तो सभी लोग जाके जल्दी से लाइक बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो, और जो भी चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एंड मेरे से बात करने के लिए आप लोग मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।